न्यूज़ चैनल से दूर रहें। सिर्फ आवाम ही नहीं बल्कि वो लोग भी न्यूज़ चैनल से दूर रहें जो डिबेट्स में झंडा लेकर तो जाते हैं लेकिन उल्टा डंडा खाकर आते हैं और अपने साथ साथ दिन का मजाक भी बनवाते हैं। नौजवानों से खास गुजारिश है कि न्यूज़ चैनल ना देखें, क्योंकि इससे उनका फ़ायदा है हमारा नहीं। अपना कीमती वक्त उन्हें देने की बजाय अपनी तारीख को पढ़ें, ताकि आप ये जान सकें कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से मुसलमानों के हाथों में दीनों दुनिया की डोर थी, और वो क्या बातें थी जो हमें मजलूमों की उम्मीद बनाती थी, और वो क्या राज था कि हमने किसी के सामने घुटने नहीं टेके, और वो क्या गलतियां हैं जिन्होंने हमें इस हालात पर पहुंचा दिया। पढ़िए ताकि आप जान सकें कि कैसे माएँ अपने बच्चों को शहीद होने के लिए पालती थी। पढ़िए ताकि आप जान लें कि मुसलमानों की कामयाबी किस रास्ते पर है। पन्नों को पलटिए ताकि आप एक नई तारीख लिख सकें। जहन को बदलिए ताकि आप दुनिया को बदल सकें। कुछ कीजिए जिसे जमाने याद रखें। न्यूज़ चैनल्स आपके दिमाग का तवाज़ुन आसानी से बिगाड़ सकते हैं। अगर आप ना संभल सकें तो आप अपने नफ्स के ग़ुलाम बन जाएंगे, जबकि आपको अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ना है। अपने गुस्से पर काबू रख कर आपको अपनी नफ़रत और अपने जाति मामलात को एक तरफ करना होगा, और फिर किसी से मोहब्बत या नफ़रत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए करनी होगी। न्यूज़ चैनल्स के आसारात बड़े ही ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, लिहाजा इन्हें देखने से परहेज़ लाजमी है।